अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ केरला स्टाइल प्राउन्स मसाला। हाँ, बरोबर बोली आसिफ? प्राउन्स यानी झींगा। झींगा, हाँ। तो चलिए, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाने वाली हूँ। और केरला स्टाइल की जो रेसिपी होती है, जो फिश की करी होती है या प्राउन्स होता है या उनका चिकन या मटन होता है, वो बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार आप लोग है ना केरला स्टाइल में भी बना के देखना, उन लोगों की रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 4 से 5 हरी मिर्ची और 1 अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। अभी हम इसे क्या करेंगे, ज़्यादा मोटा कुचल लेंगे, है ना। तो ये मेरे पास में मिट्टी का है ना सिर्फ, क्या मैंने हाँ, उसको ऑनलाइन क्या मंगाए बोलते थे, हैं? इसे खमम दस्ता बोलते हैं, है ना। तो ये मैंने इसे कुचल ली हूँ। अभी कुचल के इसे हम एक साइड में रख देंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी हूँ गर्म होने के लिए। उसमें डाली हूँ मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करूँगी मैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच राई। राई जब तड़कने लगेगी तो इसमें डालेंगे 10 से 12 मेथी के दाने, है ना। तो मेथी के दाने भी थोड़ा तड़कने देंगे। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, है ना। जैसे ही जीरा डालेंगे उसी के साथ में हम थोड़े से करी पत्ते डाल देंगे। करी पत्ते डालने के बाद में साथ ही में इसमें मैं डाल दूंगी बड़ी सौंफ आधा चम्मच, है ना। बड़ी हाँ, सौंफ भी डाल दी मैंने। अभी हम क्या करें, गैस को मीडियम पे रखेंगे और ये जो हरी मिर्ची अदरक और लहसुन को मैंने तेज के रखी थी, वो सारा हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद इसे 1 मिनट तक का फ्राई कर लेंगे। गैस को मीडियम पे रखना, एकदम हाई पे नहीं रखना, या नहीं तो आपके जितने सामान डाले हुए वो जल भी सकते हैं, है ना। और ये मिट्टी की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, है ना। और मिट्टी के बर्तन मैंने कहाँ से खरीदी हूँ, कैसे ली हूँ, अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आई बटन में आ आ जाएगा। जाएगा। तो चलिए अभी ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज के प्याज, बारीक कटिंग की हुई डालिए। थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली हूँ जो बाद में मैं बघार देने वाली हूँ। अभी प्याज डालने के साथ में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ। तो चलिए अभी प्याज हल्का हल्का सा नरम कर लेंगे। उसके बाद में हम इसमें डाल लेंगे 4 मीडियम साइज के टमाटर। थोड़ा टमाटर ज़्यादा डाल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा खट्टापन रहेगा ना तो खाने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है, अच्छा लगता है। चलिए टमाटर डाल दिए। अब टमाटर को हम 2 से 3 मिनट तक का सॉफ्ट होए तक का पका लेंगे। जैसे ही टमाटर इधर पर सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह अच्छे दिख रहे हैं ना, और कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। अभी इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। चलिए अभी ये सारे मसाले भी डाल दी। अभी इसी के साथ में हम इसमें एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट का मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका मसाला जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे उतना अच्छा इसमें टेस्ट आएगा खाने में, मतलब बोली ना। और यहाँ पे काफ़ी थकी थकी तुम्हारी यहाँ पर काम कर रही है ना, क्योंकि घर का साफ सफाई करते करते इतनी थक गई थी, क्या पूछो हिम्मत, है ना। अभी और भी बहुत सारे काम बाकी है मगर वो बाद में करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ फ्राउंस। तो फ्राउंस का कोई वजन नहीं होता, कितना होता है। तो ये मैंने कुछ 500 रुपये का फ्राउंस लेके आई थी। इसे साफ करके मैंने अच्छी तरह से धो ली हूँ। धोने के बाद में मैं इसे इसमें इस मसालों में डाल दूंगी। अब प्रॉन्स भी अच्छे थे, अच्छे थे कुछ, वो बोल रहा था टाइगर फ्राउंस ऐसा कुछ बोल रहे थे, मगर मुझे पता नहीं अभी कौन से फ्राउंस थे। अभी इसमें डालूंगी थोड़ा सा इमली का पानी, यानी आधा कटोरी आप इमली का पानी डाल दीजिए। इमली को थोड़ा देर भिगाइए हाथों की मदद से, उसे अच्छी तरह से निचोड़िए और उसका सारा रस निकाल के इसके अंदर डाल दीजिए। इमली डालने से क्या होता है, मच्छियों में ना, मच्छी की कोई भी आइटम आप बनाएंगे ना, इमली डालने से काफ़ी टेस्टी लगती है। अगर आपके पास इमली नहीं है तो 1 नींबू का रस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं इमली की जगह पे। बराबर बोली आती। चलिए अभी ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अभी इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। गैस को मीडियम पे रखना है, बिल्कुल भी हाई पे नहीं रखना है। चलिए अभी इसे मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ ना गाइस, तो मैं कभी भी गैस को मीडियम पे रख के बनाती हूँ। तो मीडियम पे रख के बनाने के ये फ़ायदे होते हैं ना, हमारी रेसिपी जलती भी नहीं है और काफ़ी अच्छी तरह से हमारा जो खाने रहते हैं ना वो कुक हो जाते हैं। कभी भी हाई पे बनाएंगे तो हमारी रेसिपी जलने का भी टेंशन होता है और कभी कभी खाने हमारे कच्चे भी रह जाते हैं। अभी हम 5 से 10 मिनट तक का इसे ढक के पका लेंगे। इसमें काफ़ी पानी छूटेगा, मैं पानी तो इसमें नहीं डालूंगी। अभी यहाँ पर मैं इसी के साथ में चावल की रोटी बना लूंगी। चावल की रोटी की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। अगर फिर से अगर आप लोगों को देखना है कि चावल की रोटी आप कैसे बनाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इंशाल्लाह ऑफिस से आपको बनाना बता दूंगी। चलिए अभी ये हो चुका है यहाँ पर। 10 मिनट बाद मैं इसे चेक करूंगी। अभी इसमें डालूंगी मैं नारियल का दूध। ये आपको कोई भी शॉप पे या मॉल में आसानी से मिल जाएगा, कोई भी शॉप पे या मॉल में आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो ये एक पूरा 1 पैकेट मिलता है, ये पूरा रेडीमेड होता है, ये मैं डाल दूंगी। या नहीं तो अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप दूध खोबरे को घिस के भी इसमें डाल सकते हैं,
है ना, खोबरे को घिस लीजिए अच्छी तरह से और उसको उसको कॉटन के कपड़े से दबा दबा के, गिल्ले खोबरे को दबा दबा के उसका पानी निकाल के भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए ये हो चुका है, अभी मैंने ये पूरा डाल दिया है। डालने के बाद मैं इसे 2 मिनट का और पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा फ्राउंस अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से पक चुका है, ये ज़्यादा गीला गीला नहीं होता है, ये एकदम सूखा सूखा रहता है। सूखा सूखा रहेगा तो ये खाने में काफ़ी मज़ा आता है। हाँ। और इसे आप ज़्यादा करके चावल की रोटी के साथ में खाना तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और स्टीम राइस के साथ में। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल गर्म होने रखी हूँ, उसमें डाल लूँगी 1 आधी प्याज, है ना, थोड़ी सी जो बचा के रखी थी वो प्याज डाल लूँगी। इसी के साथ में सारा प्याज डाल देती हूँ मैं। अभी गैस तेल ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए मैंने गैस को बंद कर दी। आज मैं बहुत फास्ट फास्ट बोल रही हूँ, कैसे बोली मैंने बताना मुझे कमेंट में ना। बराबर बोली एकदम। इसमें थोड़े से करी पत्ते डाल देंगे हम, और साथ ही में मैं इसमें डाल लूँगी लाल मिर्ची, एकदम जरी सी लाल मिर्ची हम डाल देंगे और इसका इसमें तड़का दे देंगे। माशाल्लाह ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक बारीक कटिंग करके डाल देना, काफ़ी अच्छा लगेगा। एक तरफ मेरी चावल की रोटी बनने की तैयारी चालू है, पहले मैंने इसे बना ली, उसके बाद में मैंने बनाई चावल की रोटी, है ना। और ये खाने में बहुत टेस्टी बनाता, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना। हाँ गाइस, आप लोग जो भी मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है afrozshaikh95, है ना। और मेरी डांस वीडियो वगैरह देखनी है अगर आप लोगों के आपा और भाईजान कैसे डांस करते हैं, कैसे अपने लाइफ में इंजॉय करते हैं, तो आप लोग मुझे नंबर 1 जोड़ी पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरी ज़ाती ज़िंदगी, जैसे कि मेरी लाइफ कैसी चलती है, मैं डेली रूटीन में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, मेरे घर की पूरी साफ़ सफाई कैसे करती हूँ, अपने घर को अरेंजमेंट कैसे करती हूँ, अगर ये भी अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग मुझे अफरोज रेसिपी ब्लॉग पे देख सकते हैं। एकदम सही जा रही हूँ बेटा मैं, एकदम बराबर। तो यहाँ पे हमारा फ्राउंस देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, और देखने में बहुत टेस्टी बना था। हाँ। एकदम जबरदस्त, और एकदम बहुत अच्छी मैं शेप बन चुकी हूँ, आप लोगों को सिखाते सिखाते भी, है ना। तो चलिए अभी बिस्मिल्लाह बोलकर मैं यहाँ पर इसे सर्व करती हूँ। और गाइस लोग क्या बोल रहे हैं तुम लोग तो गाइस आप लोग अगर मेरी कोई स्नैक रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आप लोगों को स्नैक रेसिपी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहती हूँ, है ना, मगर आप लोगों की फरमाइश पे ही दूंगी। तो ये हमारा फ्राउंस। स्नैक्स में आपको क्या देखना है, चिकन में देखना है, वेज में देखना है, हाँ, और चावल की रोटी देखिए कितनी अच्छी देख रही है, एकदम आगरी कोली स्टाइल चावल की रोटी मेरी नज़र आ रही है ना। तो चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा खाकर भी बताती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ देना, और खाने के समय इसके साथ में प्याज ज़रूर लेना। अगर आप प्याज नहीं पसंद करते खाना तो आप काकड़ी ज़रूर खा लेना, इसके साथ में तो अच्छा लगेगा, है ना। और आसिफ मम्मी का वेट के बारे में कब बात करेंगे? अब बाद में करेंगे, अभी मेरा वेट दिखाने का नहीं, 2-3 महीने के बाद। 2-3 महीने के बाद में बहुत ज्यादा, अच्छा जल्दी बताने का है मुझे, ठीक है 1 महीने के बाद। 1 महीने का। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा आपको खाते हैं। तुम्हारे भाई को बीच बीच में खांसी आ रही है, जब रोटी हमारी देखे चावल की कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी बेहतरीन बनी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह बोलकर मैं आपको खाकर बताती हूँ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए गाइस, और इसी तरह से प्यार दीजिए, इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, है ना। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में, एक अच्छे ब्लॉग के साथ में, है ना। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में बताना, सिंपल सादी, है ना। और कुछ बोलूँ मैं? कुछ नहीं, चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आसिफ भी बोल दिया साथ में, आसिफ तो बोलता क्यों नहीं है, बोलने का ना।